कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी लगातार देखा जा रहा है, लेकिन उनके तेवर नर्म होते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हंगामा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है, लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों का कहना है कि 12 दिसंबर को किसान दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। इस दौरान किसान जिला कलेक्टर बीजेपी नेताओं के घरों के सामने प्रदर्शन करेंगे तो टोल प्लाजा भी जाम करेंगे। तो लगातार किसानों का ये कहना है कि अब टोल प्लाजा को जाम किया जाएगा। इसके अलावा उनकी ये कोशिश है कि जो भी हाईवे दिल्ली को जोड़ते हैं उन्हें भी जाम कर दिया जाए। तो एक रणनीति बना ली गई है किसानों की तरफ से। जिला कलेक्टर बीजेपी नेताओं के घरों के सामने भी प्रदर्शन करेंगे तमाम किसान, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की घटना ना बने और ना घटे, क्योंकि बार बार एक कोशिश है कि जो भी किसान है वो इस कानून के फायदे को समझे। इसके लिए बाकायदा मैगजीन, टेप्स, तमाम चीज़ें बनाई गई हैं ताकि किसान सुने इस चीज़ को और समझे भी। इसके अलावा जितने भी प्रतिनिधि हैं बीजेपी के बड़े प्रतिनिधि, और साफ तौर पर देखा जाता है जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जाएंगे और किसानों को समझाएंगे आखिर इस कानून में फ़ायदे क्या हैं, आखिर क्यों ये कानून लागू किया गया है, और इसके साथ ही इस कानून को काला कानून ना समझे किसान, बल्कि समझे कि उनके हित के लिए ही। और इन तमाम चीज़ों को लेकर कोशिश होगी सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस बात को समझे। इन सब के बीच आज जाम करेंगे किसान दिल्ली जयपुर हाईवे, इसके अलावा जितने भी टोल प्लाजाज हैं उन्हें भी जाम किया जाएगा किसानों की तरफ से। तो एक बड़ी चीज़ है, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर, स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े इसके लिए सारी कोशिशें कर दी जाएंगी। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है 17वें दिन भी, और ये कोशिश है किसानों की कि वो टोल प्लाजा भी जाम करें, इसके साथ ही हाईवे भी। इंद्रसेन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण चंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, इसके साथ ही दीपक भरद्वाज भी हमारे, इंद्रसेन इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। इंद्रसेन, क्या जानकारी मिल रही है, जो किसानों की कोशिश है जितने भी टोल प्लाजा हैं इसके साथ ही हाईवे को जाम करने की, उस कोशिश में अभी तक तस्वीरें कहाँ तक पहुँची हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के एक टोल प्लाजा पे हूँ और साफ तौर से यहाँ से आगरा और मथुरा के लिए जो लोग हैं वो जाते हैं, और साफ तौर से आप तस्वीरें अगर टोल प्लाजा की देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है पूरी तरीके से स्मूथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नए कृषि कानून के विरोध में आज किसानों ने यह आह्वान किया है कि वो राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद करने वाले हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे को किसानों ने बंद करने का आह्वान किया है, साथ ही दिल्ली और आगरा हाईवे को भी बंद करने का आह्वान किया है। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने कहीं ना कहीं एक जो रणनीति अब तैयार की है केंद्र सरकार को घेरने के लिए, आज जो टोल प्लाजा है उनको भी फ्री कराने का आह्वान किया है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस टोल प्लाजा पे इस वक्त, ठीक है इंद्रसेन मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, अरुण चंद्रा हमारे साथ बने हैं गाजियाबाद से। अरुण, इस वक्त वहां पर किसान आपके साथ कुछ मौजूद हैं, बातचीत कीजिए उनसे और पूछिए कि क्या रणनीति उन्होंने तैयार की है। जी, मैं आपको बता दूं, जो हमने सुबह बताया था कि किसान जो डासन नहीं पूछ पाए थे, तो मैं मोदीनगर रोड यानी नेशनल हाईवे 58 पर दुहाई के टोल पर खड़ा हूं और किसानों ने यहां पर टोल को फ्री करवा दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, यहां पर सारी गाड़ियां टोल फ्री होकर जा रही है। तो किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टोल फ्री गाजियाबाद में करा दिया गया है, कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? जब तक सरकार हमारे जो भी मांग है उन्हें नहीं मानेगी, ये हमारे जो कानून है तीन जो लाई है किसानों के विरोध में, उसे जब तक नहीं वापस करेगी जब तक हम यहाँ से नहीं। जी बिल्कुल, अभी तक मैं बता दूं कि किसानों का बिल्कुल साफ कहना है कि जब तक किसान हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम इस टोल पे से नहीं हटेंगे और टोल फ्री ही रहेगा। लेकिन आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं अरुण, उनसे हम करते हैं, टोल प्लाजा जाम करते हैं तो ऐसे में जो आम आदमी है वो परेशान होगा, तो क्या कोई फर्क इन पर पड़ने वाला है इस चीज का?
जैसे यहाँ पे आपने टोल फ्री करा दिया है तो आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को परेशानी का सामना भी करना आम जनता कोई परेशानी नहीं है, सबकी टिकट नहीं है फिर जो भी है टोल वालों को परेशानी है, किसानों की जनता बाहर का रही है उसे कुछ ही रोक जा रहा है, बराबर चल रहा है, उन्हें टोल नहीं दिया जा रहा है जब तक जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हासिल आदेश होगा उस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी आगे की रणनीति यानी अभी होना तय है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी आगे की रणनीति कोई तय नहीं है और आने वाला टाइम ही बताएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अरुण की 93वीं बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए, उन्होंने हिस्सा लिया इसमें और उन्होंने बातचीत की। अपने संबोधन में उन्होंने किसानों को लेकर ये कहा है कि किसान जो परेशान हो रहे हैं बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनके हित में हम सोच रहे हैं, उनको इस कानून से ज्यादा फायदा होगा। जो भी समस्या है एमएसपी को लेकर, अगर किसान कानून चाहते हैं तो हम इसको लेकर लिखित आश्वासन दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो भी किसान कह रहे हैं उसको लेकर एक सॉल्यूशन प्रधानमंत्री ने दिया। अपने संबोधन में ने ये भी कहा कि अगर कोई परेशानी होगी आगे तो उसको भी देखा जाएगा। क्या अब भी मानने को तैयार नहीं है किसान, पूछे इनसे। जी बिल्कुल, मैं बात करता हूं, कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हैं। पीएम साहब का भी संबोधन आ गया है, वो कहेंगे हम लिखित में देंगे और हम वार्ता करेंगे, वार्ता के लिए तैयार हैं वो, लेकिन आपकी क्या रणनीति है और आप क्यों तैयार नहीं है? क्या लिखित में देने के लिए हमें तैयार? प्रधानमंत्री जी अभी अभी लिखित में दे रहे हैं, पहले आप मैं बताऊं। अभी जो संबोधन किया है, बाइक चला है, उन्होंने कहा है कि हम किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं और जो भी किसानों की मांगे होंगी उसमें संशोधन किया जाएगा। सबसे पहले हमारी ये है कि संशोधन क्यों कर रहे हो जब हमें ये बिल चाहिए ही नहीं। हमें जो ये तीनों बिल लाए हैं ये किसान विरोधी बिल है, ये बिल हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कह रहे जी एमएसपी रहेगी, क्या एमएसपी तो है ही पहले से, एमएसपी पे कानून बनाओ ना, एमएसपी पे कानून बनाओ कि भाई हमारी जो भी फसल की खरीद है वो एमएसपी से नीचे ना हो। इस एमएसपी को तो सरकार ही तय कर रही है, ठीक है अरुण, तमाम बातचीत होते रहेगी किसानों से, आप वहां पर बने रहिए। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए फिरोजाबाद से। दीपक, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर हैं, क्या किसान निकले हैं वहां से प्रदर्शन के लिए हाईवे पर पहुंचने के लिए? अंशिका, मैं बता दूं कि इस वक्त फिरोजाबाद के टोल प्लाजा टूंडला पे मैं खड़ा हुआ हूं और आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दूं कि टूंडला टोल फिरोजाबाद में दो टोल प्लाजा है, कटपोरी पड़ता है और एक टूंडला पड़ता है, जिसमें ये टूंडला टोल प्लाजा है। यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, जगह जगह पर यहाँ जो भी जितने भी बूथ बने हुए टोल प्लाजा के, पुलिस चप्पे चप्पे पर उन बूथों की सुरक्षा की निगरानी में लगी हुई है। जहाँ भी किसान यूनियन की जो भी गाड़ियाँ निकल रही है उनकी चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर बड़ी ही मुस्तैदी रखी गई है। यहाँ पर अभी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ के क्षेत्राधिकारी है देवेंद्र कुमार सिंह जी, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, किस तरीके की आपकी सुरक्षा व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? अधिकांश किसान संगठनों से वार्ता हो गई है, वो लोग जो है आएंगे तो शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर टोल फ्री करने का प्रयास कर सकते हैं, जिनके लिए यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी असामाजिक तत्व को कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं करने दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ कौन कौन से फोर्स, पुलिस के अलावा और भी क्या कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे मुस्तैद किया गया है और मैं किन चीजों पे निगरानी की जा रही है? मेरे यहाँ चारों थानों का पुलिस फोर्स लगा है, पीएसी लगी है, क्यूआरटी लगी है, 5-6 QRT कप्तान साहब के द्वारा लगा है। तमाम पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर दिया गया है किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए। आप तीनों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। और इसके अलावा लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी, आज 17वां दिन है और बावजूद इसके किसान नहीं मान रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, टोल प्लाजा भी जाम करेंगे ये किसानों ने कह दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।